Hi everyone, this is Mayank Kothari and today in this video we are going to discuss a beautiful concept on foreign exchange and risk management chapter. इस particular concept से related मैंने एक question पूछा था दो दिन पहले YouTube के community tab में community वाले section में and a lot of people have voted for it. A question was asked, चार option मैंने आप लोगों को दिए थे और आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिखाया, तकरीबन 850 votes आए हैं. उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, किन लोगों ने सही जवाब दिया, अगर गलत हुआ है तो कहाँ गलत हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है और क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया, ये सारी चीज़ें मैं आपसे ये 10 मिनट के वीडियो में शेयर करने वाला हूँ. सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस आंसर. सो हमने ये वाला क्वेश्चन पूछा था. इस क्वेश्चन में मैंने आपसे ये पूछा था कि लेट्स से वी हैव टू परचेस 100 pounds. मैं कस्टमर हूँ, दूसरी पार्टी बैंक है, क्लियर. मुझे 100 pounds खरीदना है, ठीक है. चलो एक काम करते हैं, आप कस्टमर हो, मैं बैंक हूँ, आपको 100 pounds खरीदना है. कोटेशंस मैंने दिए बैंक, तो बैंक के एंगल से देखना पड़ता है. कोटेशंस बैंक मैंने आपको दो दिए उसमें, ठीक है. पहला कोटेशन डॉलर पाउंड का है, दूसरा कोटेशन पाउंड डॉलर का, और मैंने पूछा था करेक्ट आंसर क्या है. थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने इतना सारा प्यार दिखाया. अराउंड 848 स्टूडेंट्स वोटेड फॉर दिस थिंग. सो मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 300-400 वोट्स का एक्सपेक्ट किया था, बट थैंक यू सो मच फॉर दैट. लेट्स कम टू द आंसर. मैंने आपको चार ऑप्शन दिए थे. पहला था बिड आस्क, मतलब दो कोटेशन में जो मैंने दिए उसमें एक एक आंसर सही है. सो पहले का आंसर बिड हो सकता है, दूसरे का आंसर आस्क हो सकता है, ये पहला ऑप्शन था. दूसरा ऑप्शन था कि पहले का आंसर आस्क हो सकता है, दूसरा बिड, तीसरा बिड बिड, चौथा आस्क आस्क. अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 32% वोटेड फॉर दिस एंड 63 फॉर दिस एंड 213 फॉर दिस. सही बात है. अब इसमें से कोई भी एक करेक्ट आंसर है, बाकी लोगों ने गलत जवाब दिया हुआ है. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने जो जवाब दिया है, इन लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है अपने फॉरेक्स के कॉन्सेप्ट, बिकॉज दिस आंसर इज़ टोटली रॉन्ग, थर्ड और फोर्थ. सो जो आंसर छुपा हुआ है वो पहले दो में ही छुपा हुआ है. सो ये तो टोटल करेक्ट आंसर, सॉरी गलत आंसर हो गया. अब आप देख सकते हैं जो पहला ऑप्शन है उसको 32% वोट मिले और जो दूसरा ऑप्शन है उसको 63% वोट्स मिले. व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? यहाँ आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, वो सही है या गलत है. द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन. 32% पीपल ओनली आउट ऑफ 850 गेव द करेक्ट आंसर. तकरीबन मैं बोल सकता हूँ कि सिर्फ 850 में से 250 लोगों ने, 250 पीपल गेव द करेक्ट आंसर. बाकी जो 600 लोग हैं, प्लीज़ मेक श्योर दैट 600 लोग गलत अप्रोच लेके चल रहे हैं. सो ये सिर्फ आपकी ही गलती नहीं, अगर आपसे गलतियाँ हो रही है तो ये आप ही की नहीं, मैक्सिमम पीपल आर मेकिंग मिस्टेक. यही मेरे को एक्सपेक्टेड था कि मैक्सिमम आपका वोट आएगा इसके लिए, एंड यही आया. अराउंड 63% पीपल वोटेड फॉर दिस थिंग, बट दिस इज़ करेक्ट आंसर, सॉरी रॉन्ग आंसर. द फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर. लेट्स एंटर इन टू द कॉन्सेप्ट. मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, किस तरीके से उसको आगे भी आपको ठीक करना है, इम्प्रूव करना है, और आगे से क्या अप्रोच फॉलो करनी है ये. और उसके बाद में मैं, कुछ लोगों ने कमेंट किए थे इसी पर्टिकुलर पोस्ट पे, तो बहुत सारे कमेंट्स तो मैंने स्टार्टिंग में डिलीट किए, मैं नहीं चाहता था कि बायस्ड आंसर आए. आखिरी आखिरी में मैंने कुछ रहने दिए थे, तो जो आखिरी आखिरी के उनके कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए, और वो जो तरीका था उनका इंटरप्रेट करने का, वो मेरे को एक्चुअली आपके साथ में एक्सप्लेन करना था. सो वो आखिरी में मैं आपको बताऊंगा. तो वो एक और अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आप गलतियाँ सुधार सकते हो. एग्जैक्टली कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ से पता चलेगा. तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ आपके सामने. मैंने रेट लिया था डॉलर पाउंड का आपके लिए 0.67.71. सबसे पहला रूल, कोई रूल नहीं है, मतलब ऐसा फ्रेम नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है. सबसे पहला रूल, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है ए वर्ल्ड की टॉप 5 ट्रेडेड करेंसीज़ में. प्रैक्टिकल नॉलेज किस बात का होना ज़रूरी है सर? प्रैक्टिकल नॉलेज इस चीज़ का होना ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी करेंसी वीक करेंसी है, वीकर है या स्ट्रॉन्गर है, कौन सी करेंसी स्ट्रॉन्गर है दैन द अदर करेंसी. अब इन दो की अगर बात करें तो ये तो हमको पता है कि पाउंड स्ट्रॉन्ग करेंसी है और डॉलर वीक करेंसी है. तो एक पाउंड खरीदने के लिए एक से ज़्यादा डॉलर्स लगते हैं और एक डॉलर खरीदने के लिए एक से कम पाउंड लगते हैं. ध्यान देंगे, ये पाउंड है, ये डॉलर है. एक पाउंड खरीदने के लिए ज़्यादा डॉलर्स लगते हैं लेकिन एक डॉलर खरीदने के लिए एक से कम पाउंड लगेंगे. यहाँ फिगर्स जो दिए एक से कम दी हुई है, ध्यान देंगे एक से कम दी हुई है. एक डॉलर खरीदने के लिए एक से कम पाउंड लगते हैं.
पहली चीज़ तो यहाँ से क्लियरली आपको पता चल जाता है कि ये पाउंड, सॉरी, पर डॉलर के रेट से। जिन लोगों ने गलत जवाब दिया ना, 63%, उन लोगों ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया, मैं एट फर्स्ट इंस्टेंस आपको बताता हूँ। डॉलर पर पाउंड, आपने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया, जो कि गलत है। ये सही है, पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में इंस्टीट्यूट ने यही शुरू किया था, रिवर्स कन्वेंशन में, इसको बोलते हैं इनवर्स कन्वेंशन या रिवर्स कन्वेंशन में कोटेशंस देना। यहाँ पे असेट करेंसी आपकी ये होती है और यहाँ पे प्राइस करेंसी आपकी ये होती है, ठीक है। हमारे इंडिया में हम रुपीस पर डॉलर यूज़ करते हैं, तो इसमें असेट करेंसी ये होती है और प्राइस करेंसी ये होती है ऊपर वाली। बस इसीलिए हमारी गलतियाँ हो जाती हैं, क्योंकि हम बस थंब रूल बना के चल लेते हैं, न्यूमरेटर बोले तो प्राइस, डिनोमिनेटर बोले तो प्रोडक्ट, या न्यूमरेटर बोले तो प्राइस, डिनोमिनेटर बोले तो असेट, ठीक है। पहली चीज़ तो प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। दूसरा क्या है सर, कभी भी एक्सचेंज रेट जब आप इंटरप्रेट करते हो या उठाते हो ना कि बिड होना चाहिए या आस्क होना चाहिए, सबसे पहले डिसाइड कर लो व्हाट इज़ द अंडरलाइंग असेट। व्हाट डू यू मीन बाय अंडरलाइंग असेट? अंडरलाइंग असेट मतलब बैंक ये जो कोटेशंस दे रहा है, यानी बैंक ने अपनी प्राइसेस दी है, बैंक ने जो अपनी प्राइसेस दी है, ये क्या बेच क्या रहा है बैंक, इस पर्टिकुलर प्राइस पे क्या करेंसी ट्रेड हो रही है। तो यहाँ पे जो अंडरलाइंग असेट है हमारे क्वेश्चन में, वो है डॉलर। जनरली अंडरलाइंग असेट वो होती है जो एक होती है यूनिट में, एक डॉलर के लिए इतने पाउंड, एक डॉलर के लिए इतने पाउंड, तो एक क्या है, डॉलर, तो वो अंडरलाइंग असेट है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बिड रेट है, इस पे बैंक डॉलर खरीदती है, पाउंड नहीं। ये जो आस्क रेट है, इस पे बैंक डॉलर खरीदती है, पाउंड नहीं, सॉरी, डॉलर बेचती है, पाउंड नहीं, ठीक है। अब इंटरप्रेट करें, हमको क्या चाहिए, वी वॉन्ट टू बाय पाउंड। अंडरलाइंग असेट के टर्म्स में अगर मैं इंटरप्रेट करूँ, इसका मतलब हम बाय करना चाहते हैं पाउंड, तो हम सेल करना चाहते हैं डॉलर्स। और अगर हम डॉलर सेल करना चाहते हैं, तो बैंक बाय करेगी डॉलर्स। कभी भी ध्यान देना, ये जो बैंक और ये करेंसी आप यूज़ करते हो ना, ये करेंसी असेट करेंसी होनी चाहिए। तो बैंक बाय करेगी, यानी कि बिड रेट हो गया यहाँ पे। तो पहले वाले का आंसर बिड, ऑटोमेटिकली दूसरे वाले का आंसर आस्क है, क्योंकि मैंने उसका जस्ट अपोजिट पूछा था। मैं फिर से आपको ये बता देता हूँ, दूसरा वाला था आपका, सॉरी, 1.40, 1.50। सो मैंने उसको आपको ऐसे दिया था, पाउंड पर डॉलर 1.40, 1.50। बहुत ही सिंपल सी बात है, एक से ज़्यादा है यहाँ पे करेंसी, तो कौन सी करेंसी हो सकती है, डॉलर या पाउंड? डॉलर, एक पाउंड के लिए डॉलर ज़्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है, या देने या लेने जो भी, डॉलर। तो ये डॉलर पर पाउंड का रेट है, डॉलर पर पाउंड। इसका मतलब बिड रेट पे बैंक पाउंड खरीदेगी, आस्क रेट पे बैंक पाउंड बेचेगी, हमें क्या चाहिए, बाय करना है पाउंड। पाउंड ही अंडरलाइंग असेट है, चलो कहानी सिंपल हो गई। तो बैंक सेल करेगी पाउंड, अगर सेल हो गया तो आस्क रेट। तो फाइनल आंसर आपका ये हुआ कि पहले वाले का बिड और दूसरे वाले का आस्क। कहाँ गलती हुई है? सिर्फ एक ही जगह आपकी गलती हुई है, आपने जैसा दिया हुआ था वैसा इंटरप्रेट किया, आपने ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं लगाया कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है। बस यहीं पे आप मात खा जाते हैं, जो सिर्फ बुकिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं या बुकिश रह जाते हैं, और जो थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, पेपर वेपर पढ़ते हैं कि यार पेपर में आज इतना आया था, इतना आया था, उतना आया था, तो यही चीज़ होती है गलती आपकी। सो फर्स्ट प्रिंसिपल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। सर अगर उन्होंने ऐसी करेंसीज का पूछ लिया जिनको हमको पता ही नहीं है, जिनका हमको पता ही नहीं है कि कौन सा असेट कौन सा स्ट्रांग वीक होता है, अब क्या इतने सारे देशों का हम यही पता करते रहेंगे स्ट्रांग कौन सी वीक करेंसी? नहीं, इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपेक्ट करती है, लेकिन आपको वो भी रटने नहीं बोल रही कि आप हर चीज़ का पता करो। दुनिया में जो टॉप 5 ट्रेडेड करेंसीज है, इंस्टीट्यूट उसी में अगर ताल मतोल करेगी, जो भी आपके साथ एग्ज़ाम में करना है।
अदरवाइज अगर इनके अलावा कोई रेट आया, मान लो बांग्लादेश नाइजीरिया का कोई रेट आ गया, बांग्लादेश जिम्बाब्वे का कोई रेट आ गया, नॉर्मली मान के चलो उसको और आगे कंटिन्यू करो, बिकॉज इंस्टीट्यूट आपको ऐसे रेट्स का प्रैक्टिकल नॉलेज होना एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। अब इंडिया में कितने स्टेट्स है, इंडिया की राजधानी क्या है, इंडिया का ये क्या है, वो क्या है, आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन दूसरे देशों की राजधानी, दूसरे देशों के स्टेट्स या दूसरे देशों के डीप नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। एंड द सेम लॉजिक इज़ अप्लीकेबल हियर। सो पहली चीज़ प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, दूसरी चीज़ कोई भी एक्सचेंज रेट अंडरलाइंग असेट के टर्म्स में इंटरप्रिट करो। गलती आप यही करते हो, क्या गलती हुई पता है, मैं आपको बताता हूँ, और बहुत ही सिंपल सी चीज़, अब मैं आपको ना वो कमेंट्स पढ़ाता हूँ और बताता हूँ कहाँ गलत हो रहा है, ध्यान देना। पहला देखो, मैक्सिमम आपको आस्क रेट बिड रेट, आस्क रेट बिड रेट मिलेगा, ये जो कि गलत आंसर है। पहला वाला आप ध्यान देंगे, इन फोर्स किट, ये किन्होंने लिखा है, भरवी कुबरे, ठीक है। सो इफ़ भरवी इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस। इन फोर्स किट्स इट्स पाउंड रेट गिवन, जबकि वो डॉलर रेट था, मैंने अभी आपको बताया वो डॉलर रेट था पहला वाला, यही उन्होंने गलती की। सो व्हेन आई गो टू बैंक टू बाय पाउंड, बैंक विल सेल, मेरे को खरीदना है, आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, मतलब मेरे को खरीदना है, बैंक को बेचना है, आस्क खत्म, अपने कहानी इतनी जल्दी खत्म कर दी, मेरे को खरीदना है, बैंक को बेचना है, आस्क। यहाँ देखो, लेट अस कीप इट सिंपल, देखो इन्होंने भी बोला कि सिंपल रखो, मैंने भी सिंपल क्वेश्चन पूछा, इन्होंने भी सिंपल रखा, वी आर परचेसिंग पाउंड, ठीक है, मीन्स एक्सचेंज बैंक इज सेलिंग पाउंड, सो बैंक विल एक्सचेंज एट आस्क रेट, उन्होंने भी वही कॉन्सेप्ट लगाया, मेरे को खरीदना है, बैंक को बेचना है, आस्क, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, जाके आप करेक्ट आंसर क्या है, बिड। थर्ड, फर्स्ट कोट इज डायरेक्ट कोट, भाई साहब आपने पता कैसे लगाया है कि ये डायरेक्ट कोट है, मैंने तो बताया नहीं मैं कौन सी कंट्री के एंगल से बोल रहा हूँ, मेरी होम करेंसी क्या है उसमें मैंने ये भी नहीं बताया आपको, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला लफड़ा छोड़ दो, आपको पता करने की ज़रूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में कि डायरेक्ट कोट कौन सा है, इनडायरेक्ट कोट कौन सा है, या है भी क्या कुछ। अगर यही कोटेशंस, यही फिगर्स में क्या बोलते हैं लंदन में जाके कोट करूँ तो कुछ और निकलेगा, और मैं न्यूयॉर्क में जाके कोट करूँ यही चीज़ तो कुछ और निकलेगा। मैंने तो क्वेश्चन में आपको कहीं नहीं बताया कि मैं लंदन में बैठा हुआ या न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, किसने मेरे को ये कोटेशन दिया, नहीं। सो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, ये तो सोचना भी गलत है कि ये कोटेशन पहले डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, इसको मैंने एक काम करता हूँ कन्वर्ट करता हूँ, फिर ऐसा करता हूँ, फिर वैसा करता हूँ। आगे इन्होंने तो सिर्फ इतना ही जवाब दिया, अभिषेक बोहरा इन्होंने भी, साधना ने भी, अच्छा ये वाला देख लो, इन्होंने भरवी कुबरे, अच्छा ये तो हो चुका है। यहाँ आ जाते हैं, सोनिया गुप्ता ने बिड और आस्क, सोनिया गुप्ता ने सही जवाब दिया, पहला मिला है, और इनका लॉजिक देखो क्या है, अगर आपको भी सही जवाब देना है तो प्लीज़ फाइंड, प्लीज़ फोकस ऑन दैट लॉजिक। रीजन बीइंग, इन फर्स्ट कोटेशन इट सीम्स दैट असेट करेंसी इज पाउंड, बट इन रियलिटी पाउंड इज द प्राइस करेंसी, कॉज पाउंड कांट बी स्मॉलर दैन डॉलर, एंड द सेम लॉजिक अप्लाइज टू सेकेंड क्वेश्चन। चलो थोड़ा सा इन्होंने गलत किया, उनको ऐसा लग रहा है कि पाउंड आपका असेट करेंसी है, बोलने का मतलब मैं समझ गया कि वो असेट करेंसी में इंटरप्रेट कर रहे हैं, और आगे भी उन्होंने वैसा बोला कि प्रैक्टिकल नॉलेज में ऐसा नहीं होता, स्ट्रॉन्गर करेंसी पाउंड होती है, वीकर डॉलर होती है, इसलिए उन्होंने उल्टा जवाब दिया। आधा से ज़्यादा मैं 90% में बोल सकता हूँ उनका कॉन्सेप्ट सही था, तभी उन्होंने क्या किया, असेट करेंसी में इंटरप्रेट किया, तब जाके उनका आंसर सही आया। अब ये देख लो, बिकॉज इन फर्स्ट द अंडरलाइंग असेट इज पाउंड एंड दैट इज आई हैव टू परचेस एंड बैंक वॉन्ट्स टू सोल्ड, बस सोल्ड नहीं आता भाई, सेल आता है। सो आस्क रेट विल अप्लाई देन इन टू सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन द अंडरलाइंग असेट इज डॉलर, तो ठीक है उन्होंने डॉलर में अंडरलाइंग असेट में इंटरप्रेट किया, लेकिन इन लोगों का कौन है ये, गीतिका अरोरा, गीतिका का ये मानना था, नो ऑफेंस ऑब्वियसली, गीतिका का ये मानना था कि डॉलर पर पाउंड दिया है तो ये वाला जो होता है ना, जो नीचे दिया होता है वो होता है असेट करेंसी, ये उनका मानना था। ये जो ऊपर वाला प्राइस या नीचे वाला पाउंड होता है, ये कॉन्सेप्ट या अप्रोच गलत है, नीचे वाला असेट होता है, नीचे वाला प्रोडक्ट होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका गलत है, अप्रोच गलत है। 80% क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट दिए हुए हैं प्रैक्टिस मैनुअल में, इसलिए वो आपका जो रूल है ना वो अप्लाई हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई रूल कहीं लिखा, मतलब लिखा हुआ यानी कि कहीं है नहीं, लॉजिकल नहीं है वो, तो अगर मैंने थोड़ा सा घुमाया तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। द बेस्ट अप्रोच टू गेट 100% करेक्ट आंसर इन ऑल द सिचुएशन इज टू इंटरप्रिट इन टर्म्स ऑफ असेट करेंसी। बैंक बिड रेट पे खरीदती है, बस इतना बोल के नहीं होता, बैंक बिड रेट पे असेट खरीदती है, बैंक आस्क रेट पे असेट बेचती है। इनका देख लो लास्ट वाला, देखते हैं फिर खत्म करते हैं कहानी पूरी, ध्यान देंगे।
फर्स्टली बिड रेट इज बाइंग रेट ऑफ एनी करेंसी फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड आस्क रेट इज सेलिंग रेट इन एनी करेंसी फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू इन फर्स्ट कोटेशन रेट ऑफ पाउंड इज गिवन सो वी विल सी फ्रॉम पाउंड्स पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत लंबी कहानी लिखी थी, ठीक है छोड़ दो उनको, मैंने ज़्यादा स्क्रीनशॉट लिया नहीं था उनका. सो थिंक इट फ्रॉम बैंक पॉइंट ऑफ व्यू, इन्होंने भी कुछ खास जवाब नहीं दिया. सो आपने देख लिया लॉजिक बेसिकली क्या है. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं. मैं फाइनली एंड अप, आई जस्ट वॉन्ट टू एंड अप दिस वीडियो सेइंग दैट हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ विच करेंसी इज स्ट्रॉगर दैन द अदर करेंसी. एंड द सेकेंड थिंग इज प्लीज़ इंटरप्रिट बिफोर पिकिंग अप कि ये बिड होना चाहिए आस्क होना चाहिए. प्लीज़ इंटरप्रिट इन टर्म्स ऑफ असेट करेंसी, अंडरलाइंग असेट. बाइंग रेट, बिड रेट इज़ द अंडरलाइंग असेट पे बाय करने वाला रेट बैंक के लिए. आस्क रेट इज बैंक सेल करती है अंडरलाइंग असेट उस पर. सो दिस इज इट, फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर. मोस्ट ऑफ द पीपल गिव द रॉन्ग आंसर. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपके तरीका आपका सही हो रहा है. जिन्होंने भी गलत जवाब दिया वो प्लीज़ अपना अप्रोच सुधार ले, क्योंकि यहाँ इसे गलती हो सकती है. और अगर पहले ही गलती होगी तो पूरे 8 मार्क का क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और एक एक मार्क की कीमत आप जानते हो क्या होती है. Please make sure that you are connected to my community tab. I will be asking lots of questions in the coming time. And आपका जो response आता है, मैं frankly बता रहा हूँ, मैं आपसे कुछ ज़्यादा मांगूंगा नहीं. आपका अगर आप मेरे को मेरे लिए थोड़ा बहुत कुछ करना चाहते हैं तो आपका जो response आता है हर चीज़ को लेके, उसी से मेरे को motivation मिलता है करने के लिए कुछ भी एक्टिविटी एंड डू समथिंग फॉर SFM. आई विल बी डूइंग एवरीथिंग फॉर SFM ओनली. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग पार्ट ऑफ इट. अगर वोटिंग के लिए मैं पूछ रहा हूँ तो एटलीस्ट एक सेकंड दो सेकंड निकाल के कुछ वोट कर दे, गलती कर दो सही है. मेरे को बस काउंट्स मिल गए तो मेरे को पता चल जाता है कि दैट पीपल एक्चुअली वॉन्ट टू नो अबाउट इट. बट सिर्फ देख के जब आप चले जाते हो और जब कम काउंट्स होते हैं तो आई डोंट गेट टू नो हाउ एग्जैक्टली द थिंग्स आर गोइंग एंड वेदर आई शुड कंटिन्यू और नॉट, वेदर यू आर लाइकिंग इट और not. So please be responsive to this thing. That's the only request I can make, and this is the end. Bye bye.